जयपुर के एक स्पेशल जगह पे जो कि लगभग बनने में 4 साल लगे। बाकी जेडीए की प्रॉपर्टी है, खाली ऐसी जगह पड़ी हुई थी, तो उसने जेडीए ने इसको यूज दिया है, जयपुर ने अच्छा यूज दिया है, एक धरोहर बना दी है जो कि अभी आप देख सकते हैं काफी लोग आए हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि है तो अपन भी देखें स्पेशल क्या क्या है। बाकी इसको खुले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, पहले दूसरी जगह पे था अभी तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, जगह इसकी और बढ़ा दी गई है। तो चलो आओ चलते हैं। ये इसका मेन गेट है, अपन एंट्री कहाँ से अपन एंट्री करेंगे। बाकी देखें तो लेफ्ट साइड में अपनी जो पार्किंग रहेगी जहाँ अपने गाड़ी खड़ी की है, राइट साइड पे जाने का रास्ता है, तो यहाँ से अपन चल सकते हैं। वैसे अपन इस जगह की बात करते हैं, इस जगह पे जो प्राचीन धरोहर है, प्राचीन जो भी चीज़ें हैं परखा गया है उसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ से आप गार्ड भी ले सकते हैं जो आपको बताएगा, या आप सलाहकार जो भी आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। ये देखिए अपन को लिखा है कृपया हमेशा पथ पे रहें। रीज़न भी ये है कि जहाँ पे ये सिर्फ बनाया गया है वहाँ से ही अपन चल सकते हैं, इधर उधर होंगे तो गिरना है। बाकी दूसरी तरफ एक गंदा पानी बहता है वहाँ पे भी अपन गिर सकते हैं। इस वजह से रीज़न ये है कि आप सिर्फ जहाँ पे रास्ते पे हैं आप रास्ते पे ही चलें। और भाई साहब देख सकते हैं अपने जो अपने साथ आए हैं, जो जिन्होंने तीसरी टिकट जिनके कारण हमने ली है, देखिए बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। साफ़ सफाई का खासा ध्यान रखा गया है, इसे जगह जगह आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, साइज के अलग अलग प्रकार के पेड़ है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो भी पेड़ मंगवाए गए हैं, जैसे अरावली पर्वत का है तो अरावली पर्वत से मंगवाया गया है। ये बात करता हूँ पार्क के कुछ रूल्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसका भी आप रख सकते हैं। बाकी जो खास जो ध्यान रखने वाली बात है इसमें खाने पाने की चीज़ें, वो रीज़न ये है कि यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, जैसे पहले भी पीछे भी लिखवा था कि साफ़ सफाई का अपन ध्यान रखें। अब रीज़न ये है कि अगर आप खाने का सामान लाएंगे तो इधर उधर आप फेंकेंगे, वो तो जाहिर सी बात है इंडिया वाले फेंकते ही है, तो उससे क्या है गंदगी होती है। रीज़न इसीलिए खाने पीने का सामान अगर जैसे आप जैसे एंट्री करते हैं तो गार्ड ही आपको चेक करता है, बैग वगैरह अगर आपके साथ है तो वहाँ से ये निकाल देता है। बाकी आप शौचालय वो वॉशरूम जो आप देखे थे नीचे, जैसे अपन टिकट लेते हैं उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ही है। बाकी आप रूल एक बार देख सकते हैं वापस आप, और स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बाकी काम की चीज़ें हैं ये भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप थक जाएं तो ये बैठने की जगह भी बनाएगी, बैठने की जगह भी पेड़ के तने से बनाई गई है, वो कोई ऐसा नहीं है, वही नेचुरल तरीके से जो पेड़ होता है उसको तने को बीच में से काट के बनाई गई है। बाकी कचरे का डस्टबिन भी आपके देखे तो लकड़ी का ही बनाया गया है, बाकी सभी चीज़ें लगभग देखे तो ये अपना डस्टबिन है ये भी लकड़ी का ही बनाया गया है। ये देखें आप, मैं वही बता रहा था ये रेत से बनी चट्टाने हैं, ऑल अबाउट रॉक मेड बाई सैंड, वही है जो पत्थर जो मिट्टी होती है उससे जो मन के है रेत कंकड़ हैं वही है ये चीज़। अब बैठने की रेस्ट करने की जगह आ चुकी है। बाकी बात करें कैसे क्या बना है, आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं कि ये जयपुर के धोरे हैं, धोरे जब आप समझते होंगे, अगर आप जयपुर लोकल हैं तो समझते होंगे। बाकी टीबो पे अपन कहे कि इसमें टीबो पे अपन चढ़ रहे हैं, बनाया गया है टीबो से ही पूरा बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है। 4-5 साल पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बाकी आप देख सकते हैं और भी पेड़ पौधे और भी लगाए जा रहे हैं। अब ये क्या है, क्यों है, क्या है इसका, तो मैं आपको बता सकता हूँ सीधा सीधा कि पहले जो
पेड़ थे या पत्थर थे उसके लिए ही ये बनाया गया है, उसको दिखाने के लिए, जो अभी जो नई जनरेशन है उसी के लिए बनाया गया है कि पहले क्या क्या होते थे, कैसे पत्थर होते थे, कैसे उनकी उत्पत्ति होती थी। यहाँ से अपना जो पक्का रास्ता था जो भी लकड़ी द्वारा बनाया गया था वो ख़त्म होता है, यहाँ से आती है जो सैंड होती है, रेत होती है, उसका रास्ता है ये। यहाँ से देखें तो आप चारों तरफ देख सकते हैं ये पूरा कवर किया गया है। तो अपन अभी यहाँ पे चल नहीं रहे, अपन चलते हैं वापस जहाँ से अभी अपन थोड़ी देर रुके थे, वहाँ रेस्ट करते हैं, कुछ खाने पीने का खैर मिलेगा नहीं, बस पानी पी के अपन वापस चलते हैं यहाँ से। स्थापना के संबंध जो मैंने आपको दिखाया है, मेरी दृष्टि से, मेरे नज़रिए से दिखाया, बाकी पेड़ पौधे पुराने पत्थर इसकी जानकारी काफ़ी थी। जयपुर से बात करते हुए